स्टूडेंट्स हम लोग इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शन से स्टडी कर रहे थे। तो जो इंस्ट्रक्शन के ग्रुप हैं उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज के लेक्चर में जितने भी इंस्ट्रक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को स्टडी किया, उनका फॉर्मुलेशन क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शन को लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से हम उसे इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और कैसे वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, कितनी क्लॉक साइकल्स लग रही हैं, क्या एड्रेसिंग मोड है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए डिस्कस किया। एंड एक बार आप ये सारी इंस्ट्रक्शन स्टडी कर लेंगे तो जो हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पर फिर हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, तो वो पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप एक बार ये सारी इंस्ट्रक्शंस को समझ जाएंगे। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। लाइक कम्प्लीट प्रोग्राम आपको लिखा हुआ मिला है 10-15 लाइन्स का, आपसे ये पूछा जाए कि एट लास्ट क्या आउटपुट आ रहा है, या किसी रजिस्टर में अगर कोई डेटा है तो क्या डेटा स्टोर हो रहा है। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग एंड इट बिकम वेरी इजी फॉर यू अगर आपने प्रॉपरली सभी इंस्ट्रक्शंस को स्टडी कर लिया है। तो कंटिन्यू करते हैं। ये तो जैसे डेटा ट्रांसफर तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप हम लोगों ने स्टडी किया है। आप लोग जैसे एग्ज़ाम में इनके साथ आए तो ये जो ग्रुप्स हैं उनको आप एक जगह लिस्ट करके भी रख लीजिएगा कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो पहला ग्रुप डेटा ट्रांसफर ग्रुप, दूसरा अर्थमेटिक ग्रुप, तीसरा फिर लॉजिकल ग्रुप, चौथा मशीन कंट्रोल वाला है ब्रांचिंग ग्रुप हो जाएगा, और पांचवा जो है वो मशीन कंट्रोल। इस तरह से आप इनकी ग्रुपिंग करके एक लिस्ट में बना लीजिएगा सो दैट कि आप ये पांचों नाम एक बार में याद कर लें। और अगर आपको ये ग्रुपिंग याद हो गई है तो फिर आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फिर अकॉर्डिंगली याद कर पाएंगे। तो ज़्यादातर जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं वो एज पर टाइटल्स ही हैं कि टाइटल जो है उसी के अकॉर्डिंग उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी कर ली है। लॉजिकल की आ गई, ब्रांच ग्रुप में हम लोगों ने ब्रांच ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी वो जंप इंस्ट्रक्शन स्टडी की। और ब्रांच ग्रुप की जो सबसे मतलब ख़ास बात है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रांच ग्रुप में, वो क्या है कि इस ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, एक कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। तो ये हमने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि कंडीशनल और अनकंडीशनल में क्या डिफरेंस है। तो जब हम अनकंडीशनल की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट अनकंडीशनली, दैट मींस विदाउट एनी कंडीशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसमें हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। जैसे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिख रखी है जंप इंस्ट्रक्शन, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही हम JMP और इसके बाद एड्रेस लिखेंगे तो ये इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के साथ ही प्रोग्राम डायरेक्टली इस एड्रेस पर जंप कर जाएगा। मींस कि इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन राइट होगी उसी स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करने लगेगा। कोई कंडीशंस यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक टाइप है कंडीशनल का, जैसे जंप का भी है कि हमने कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस भी स्टडी किए। कंडीशनल जंप में क्या है कि देर आर सेवरल कंडीशंस इन जंप इंस्ट्रक्शन, तो वन बाय वन कंडीशंस ली गई हैं एंड एज पर कंडीशंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। तो प्रोसेस जो है वो जंप का ही होगा, बट जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो जंप का प्रोसेस होगा, अदरवाइज जंप का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। कंडीशन ट्रू है जंप होगा एड्रेस पर प्रोग्राम, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये जंप नहीं होगा प्रोग्राम।
इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो पढ़ी थी कॉल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ी थी, उसमें भी हम एक सब रूटीन को कॉल कर रहे थे। तो वहाँ पर भी क्या है कि एक अनकंडीशनल एक कंडीशनल। अनकंडीशनल के केस में क्या है कि जैसे ही सी ए एल एल लिखा हुआ है एंड स्पेस करके एड्रेस दिया हुआ, तो अनकंडीशनली मीन्स कोई कंडीशन वहाँ गिवन नहीं है और जो प्रोग्राम होगा वो उस सब रूटीन को कॉल कर लेगा। बट इन केस कि जब कंडीशनल कॉल की हम बात करेंगे तो अगेन कुछ कंडीशंस गिवन है और एज पर कंडीशन इंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। मीन्स कंडीशन ट्रू है तो इट विल कॉल सब रूटीन, इंस्ट्रक्शन कंडीशन फॉल्स है तो इट विल नॉट कॉल सब रूटीन। इसी तरह से जो है आगे की भी इंस्ट्रक्शंस है। तो एक बहुत छोटा सा जो है हम रिवीजन कर लेते हैं इसका, जब जो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस है तो जैसे हमारे पास में ये इंस्ट्रक्शन गिवन है जे जेड और उसके बाद में फिर यहाँ स्पेस करके एक एड्रेस गिवन है, और ऐसे ही एक इंस्ट्रक्शन है वो क्या है जे एन जेड एंड स्पेस करके एड्रेस गिवन। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि ये दो इंस्ट्रक्शंस हो गई और ये दोनों इंस्ट्रक्शंस जीरो फ्लैग को चेक करती हैं। कंडीशन इसमें क्या है कि प्रोग्राम विल जंप इफ रिजल्ट इज जीरो। तो जो फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या है कि इफ रिजल्ट इज जीरो, इफ रिजल्ट इज जीरो। एंड रिजल्ट कब जीरो होगा ये हम कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग द फ्लैग्स। तो हमारे पास में जो स्टेटस फ्लैग्स हैं ये आठ, तो इसी में हमारे पास में एक फ्लैग कौन सा होता है जेड फ्लैग, जिसे कि हम कहते हैं जीरो फ्लैग। अब अगर ये जीरो फ्लैग की वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू वन, इट मींस कि रिजल्ट इज जीरो। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, जंप इफ रिजल्ट इज जीरो स्पेस एड्रेस। तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन जंप कर जाएगी। और यहीं पर अगर इसकी वैल्यू क्या है इक्वल टू जीरो है तो इट मींस कि कंडीशन फॉल्स हो गई और इसमें जंप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो गया। ऐसे ही जब हम सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं जे एन जेड एड्रेस, मींस जंप नॉट जीरो, मींस जंप इफ द रिजल्ट इज नॉट जीरो। नॉट जीरो के केस में क्या होगा, जब जेड की वैल्यू जीरो है इट मींस कि रिजल्ट इज नॉट जीरो। तो व्हेन जेड इज इक्वल्स टू जीरो इट विल चेक कि फ्लैग जेड जो है जीरो फ्लैग जो है इट इज जीरो और नॉट। इफ इट इज जीरो कंडीशन ट्रू होगी एंड इट विल जंप टू द एड्रेस। बट इफ इट इज वन then in this case it will not jump to the instruction provided in instruction। इसी तरह से rest जो instruction है उनमें भी है, जैसे कि एक हमारे पास में instruction है JC और एक है JNC। तो JC में क्या है कि it will check for carry जो CY flag या CS flag होता है। If CY flag is equals to 1 means
कैरी इज सेट, यानी कैरी प्रेजेंट है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी जो है जीसी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये जंप कर जाएगी जो भी एड्रेस प्रोवाइडेड होगा। और जब इस सी वाई की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी उस केस में ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और जंप होगी स्पेसिफाइड एड्रेस पे जो भी यहाँ पर गिवन है। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें मेनली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, एक तो ज़ीरो रिजल्ट पर चेक कर रहे हैं, मतलब ज़ीरो फ्लैग पर चेक कर रहे हैं, दूसरा हम कैरी पर चेक कर रहे हैं, तीसरा हम प्लस माइनस पे चेक कर रहे हैं, मतलब साइन फ्लैग पर चेक कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो जब हो, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो जब, तो इट विल चेक साइन फ्लैग एंड एज पर द वैल्यू ऑफ साइन फ्लैग जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। तो जिसमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जंप पे प्लस दिया हुआ है तो एस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तभी एग्जीक्यूट होगा, जंप माइनस है तो इट मींस कि जब एस की वैल्यू वन होगी तभी जंप प्रोसेस यहाँ पर होगा। और यही वैल्यूज इंटरचेंज कर देंगे तो दोनों ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऐसे ही रिजल्ट में इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है उसके बेसिस पर भी ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर इवन पैरिटी है तो जंप करेगा, और इवन पैरिटी कैसे चेक करेंगे, पैरिटी स्टेटस से। अगर पी की वैल्यू वन है तो इट विल जंप टू द एड्रेस, अगर पी की वैल्यू ज़ीरो है तो इस केस में इट विल जंप टू द एड्रेस। और वही चीज़ यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाए, लाइक ये वैल्यू पी इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई तो इट विल नॉट जंप, और यहीं पर अगर पी की वैल्यू वन हो गई तो इट विल नॉट जंप। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने कॉल इंस्ट्रक्शन डिस्कस की थी। तो कॉल में भी अनकंडीशनल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी स्पेस एड्रेस गिवन होगा। तो कॉल इंस्ट्रक्शन का वर्क क्या है कि ये सब रूटीन को कॉल करेगा आइडेंटिफाइड बाय द एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पे जो भी सब रूटीन गिवन है उसको ये कॉल करेगा। तो ये तो अनकंडीशनली इसने कॉल कर दिया, बट जब कंडीशंस की बात आई, अगर हम कंडीशनल कॉल यूज़ कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस अगेन जैसे जंप थी उसी तरह से यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू कैरी स्टेटस, मतलब कैरी प्रेजेंट है तो इट विल कॉल, कैरी नहीं प्रेजेंट है तो इट विल नॉट कॉल। ऐसे ही सेकंड में इफ कैरी इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल कॉल सब रूटीन, और इफ कैरी इज प्रेजेंट इट विल नॉट कॉल सब रूटीन। तो दोनों ही केसेस यहां पर आपको मिल रहे हैं। एक केस में कैरी की वैल्यू अगर है, कैरी इज प्रेजेंट,
तो सब रूटीन कॉल होगा, एक में कैरी प्रेजेंट नहीं है तो सब रूटीन कॉल होगा। रेस्ट जो सेकंड कंडीशन होगी वो आपकी फॉल्स होगी, उसमें कॉल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जीरो स्टेटस के लिए भी है कि अगर रिजल्ट की वैल्यू जीरो है देन इट विल कॉल सब रूटीन, और अगर रिजल्ट की वैल्यू जीरो नहीं है देन इट विल कॉल सब रूटीन। तो दोनों ही केसेस हैं। फर्स्ट केस में इफ रिजल्ट इज जीरो देन इट विल कॉल सब रूटीन, तो इस केस में क्या होना चाहिए, जेड की वैल्यू वन होनी चाहिए। सेकेंड केस की बात करेंगे तो इट विल कॉल सब रूटीन इफ रिजल्ट इज नॉट जीरो, और इन केस ऑफ रिजल्ट इज नॉट जीरो द जीरो स्टेटस यानी जेड इज इक्वल्स टू जीरो, तो इंस्ट्रक्शन विल कॉल सब रूटीन, एल्स इट विल नॉट कॉल। ऐसी नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शन है जो प्लस एंड माइनस पर है, मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव देन इट विल कॉल सब रूटीन। तो रिजल्ट इज पॉजिटिव मीन्स कि जो साइन फ्लैग है इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बिकॉज साइन फ्लैग की वैल्यू जब वन है तो इट रिप्रेजेंट्स कि रिजल्ट इज नेगेटिव। तो जब हम पॉजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं तो साइन फ्लैग की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो इट विल कॉल। ऐसे ही सेकंड में क्या है, हमें माइनस चेक करना है कि रिजल्ट इज माइनस मीन्स रिजल्ट इज नेगेटिव और नॉट। तो रिजल्ट इज नेगेटिव मैन एस इज इक्वल्स टू वन, इट विल कॉल सब रूटीन, एल्स विल नॉट कॉल। लास्ट टू इंस्ट्रक्शन है सीपीई एंड सीपीओ, कॉल सबरूटीन इफ इवन पैरिटी। तो फर्स्ट केस में इवन पैरिटी को चेक करना है, तो व्हेन पैरिटी स्टेटस ऑफ द स्टेटस फ्लैग इज इक्वल्स टू वन, इट मींस कि इट इज रिप्रेजेंटिंग कि द रिजल्ट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वंस। इन दिस केस this instruction will call the subroutine program. In the next case CPO, it will check for odd parity, and in case of odd parity p is equals to 0, and p equals to 0 ka matlab kya hai ki the result is not having even number of ones, aur agar even number of ones nahi hai to it means ki odd number of ones hai. So p equals to 0 indicates ki odd parity is present in the result, and as per this instruction it will call subroutine. ऐसे return from subroutine है कि call तो कर लिया, अब उसके बाद में return भी करना है subroutine से, तो यहाँ पर return instruction का use किया जाता है। तो जहाँ पर भी RET आ गया तो return instruction is used at the end of subroutine, तो जैसे ही subroutine end होता है RET का यूज किया जाता है। तो जब भी सब रूटीन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक प्रोग्राम होगा जो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा होगा, बट इन बिटवीन हमने किसी अदर प्रोग्राम को अदर सब रूटीन को कॉल किया है, तो लाइक जैसे हम ये बात करते हैं कि इस तरह से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखे हैं, सेवरल लाइंस लिखी हुई हैं, एंड इन बिटवीन क्या करना है कि हमें मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने क्या किया कि हमने एक सब रूटीन को कॉल कर लिया, और सब रूटीन इस तरह से टास्क परफॉर्म किया। अब जो करंट प्रोग्राम है उसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मींस नेक्स्ट लाइन है ये, तो इसका जो एड्रेस होगा दिस एड्रेस इज सेव्ड इन द स्टैक, सो दैट कि जब हम रिटर्न हो तो वापस हम इसी इंस्ट्रक्शन पर रिटर्न हो जाए और फिर ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो। तो दैट इज व्हाई जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है मेन प्रोग्राम की उसको स्टैक में सेव कर दिया जाता है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वैसे ही ये क्या करेगी कि जो भी स्टैक में सेव्ड एड्रेस होगा उसको वापस से प्रोग्राम काउंटर में पुट कर देगी ये इंस्ट्रक्शन, और जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन पुट हो एड्रेस पुट हो जाएगा तो क्या होगा कि वो फिर उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी होती है उसको कॉल करके उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन
एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद बात करते हैं कंडीशनल रिटर्न की। कंडीशनल रिटर्न में अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास में टोटल 8 नंबर ऑफ कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हैं। तो व्हाट विल हैपन, हम जैसे 2-2 के पेयर्स अगेन बना लेते हैं, ये दो का पेयर बन गया। आरसी मींस रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ कैरी स्टेटस इज 1। अगेन सेम उसी तरह से सारी कंडीशंस हैं, प्रोग्राम रिटर्न होगा अगर कैरी स्टेटस 1 है इन दिस फर्स्ट केस। और सेकंड केस की बात करेंगे तो इट विल रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इफ द कैरी स्टेटस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि इट विल चेक कि रिजल्ट इज 0 और नॉट, और डिपेंडिंग अपॉन कि रिजल्ट इज 0 और नॉट इट विल रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट केस है दैट इज RZ, इन दिस केस इट विल चेक कि इफ द रिजल्ट इज 0। एंड हाउ इट विल चेक कि रिजल्ट इज 0, इट विल चेक द 0 स्टेटस फ्लैग। इफ दिस फ्लैग इज सेट टू 1 इट मींस कि द रिजल्ट इज 0 एंड इट विल रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन। और जब ये RNZ लिखा होगा तो इट विल चेक फॉर कि रिजल्ट इज नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो मींस कि जो जीरो स्टेटस फ्लैग है इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इट मींस कि रिजल्ट जीरो नहीं है एंड इट विल रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन। फिर दो इंस्ट्रक्शंस आ गए, डिपेंडिंग अपॉन प्लस एंड माइनस रिजल्ट इज पॉजिटिव और रिजल्ट इज नेगेटिव। साइन स्टेटस से चेक कर लेंगे, साइन फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है इट मींस रिजल्ट इज नेगेटिव और ये सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सब रूटीन से रिटर्न हो जाएगा माइक्रोप्रोसेसर। लास्ट टू इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे RPE एंड RPO, अगेन इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी पे। तो P की वैल्यू 1 है तो RPE एग्जीक्यूट होगी और अगर P की वैल्यू 0 है तो RPO एग्जीक्यूट होगी एंड रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन विल हैपन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 इंस्ट्रक्शन स्टडी करी। एक इंस्ट्रक्शन हमने स्टडी की पहली वाली जंप, दूसरी कॉल और तीसरी रिटर्न। ये 3 इंस्ट्रक्शन स्टडी की हैं। आप बस इसका अनकंडीशनल समझ लीजिए कि अनकंडीशनल में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। एंड जब कंडीशनल की बात आएगी तो कंडीशनल में आप देख रहे हैं कि दो दो के पेयर्स बनाते जाइए, दो कैरी के लिए, दो जीरो के लिए, दो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए और दो इवन ऑड के लिए। इस तरह से ये टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस होंगी और ये तीनों में ही कॉमन है। बस आपको फंक्शन याद होना चाहिए कि किस में रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन है, किस में कॉल द सब रूटीन है और किस में जंप करना है। तो बिल्कुल सिमिलर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ब्रांचिंग ग्रुप भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो RSTN इंस्ट्रक्शन है, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। ये RSTN इंस्ट्रक्शन के एन इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था जब हम लोग इंटरप्ट स्टडी कर रहे थे, तो हमने आपको ये टेबल जो है ये टेबल आप लोगों के साथ में शेयर की थी और आपको बताया था कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करती है। तो जब हम रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ वन वर्ड कॉल इंस्ट्रक्शन। द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज सेव्ड इन द स्टैक। तो जो जैसे इसमें भी वही है कि ये कॉल कर रहा है, जैसे कॉल द सबरूटीन वाली इंस्ट्रक्शन थी उसी तरह से ये भी वर्क कर रहा है, फंक्शन उसी तरह से है। जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होगा, मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी थी वो इंस्ट्रक्शन स्टैक में जाके सेव कर दी और उसके बाद फिर रिस्टार्ट कर रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा, प्रोग्राम जंप्स टू द इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एट रिस्टार्ट लोकेशन। तो जैसे कि RSTN का मतलब है कि RST 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 जो भी होगा। तो जो भी यहाँ पर RST 0 की जैसे बात करेंगे तो इसकी रिस्टार्ट लोकेशन क्या है, 4x0। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगी ये करंट प्रोग्राम को वहीं पर पॉज करेगा, उसका एड्रेस स्टैक में सेव किया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का और इस लोकेशन पर पहुँच गया और इस लोकेशन पर जो भी कुछ है उसको एग्जीक्यूट करेगा।
तो अकॉर्डिंग टू कि आरएसटी की कौन सी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉल वाला जो ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो कॉल कर रही है वो डिपेंड करेगी। तो आरएसटी जीरो का मतलब है इसको कॉल किया, आरएसटी वन का मतलब है कि इसे कॉल किया गया, आरएसटी टू थ्री एंड सो ऑन सेवन तक के सारे एड्रेसेस गिवन है कि किस लोकेशन को कॉल करना है या कहाँ से रीस्टार्ट करना है। नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज PCHL। PCHL का क्या मतलब है? जंप टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द HL पेयर। अगेन जंप प्रोसेस हो रहा है, बट जंप प्रोसेस कैसे हो रहा है कि जो एड्रेस HL पेयर में पड़ा हुआ है उस लोकेशन पर डायरेक्टली जंप कर। तो सिंपल है, जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी वैसे ये भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन आएगी प्रोग्राम क्या करेगा, जंप कर जाएगा जो भी एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाइड है HL रजिस्टर पे। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है लास्ट ग्रुप है स्टैक आईओ एंड मशीन कंट्रोल। तो यहाँ पर हम स्टैक से रिलेटेड, आईओ यानी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड और मशीन कंट्रोल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जैसे बात करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो इन उसके बाद स्पेस करके पोर्ट एड्रेस गिवन है। तो ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है इनपुट टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम आईओ पोर्ट। मतलब एक्यूमुलेटर को हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट से। और इनपुट आउटपुट में से भी जो इनपुट के पोर्ट्स होंगे वहां से हम इसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पोर्ट एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है क्योंकि देर आर सेवरल आईओ डिवाइसेस जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से कनेक्टेड हैं। तो हर एक पोर्ट का एक स्पेसिफाइड एड्रेस होता है कि इस वाले पोर्ट से हमें डेटा लेना है या इस वाले पोर्ट पे हमें आउटपुट डेटा सेंड करना है। सॉरी तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू स्पेसिफाई द पोर्ट एड्रेस कि किस डिवाइस से हमें पिक करना है डेटा को। तो जो भी पोर्ट एड्रेस है वहां से ये एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अब क्या है, द डेटा अवेलेबल ऑन द पोर्ट, यानी जो भी हमने इनपुट पोर्ट की बात की है क्योंकि IN यहाँ लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि हम इनपुट पोर्ट की ही बात कर रहे हैं। तो जो भी डेटा अवेलेबल होगा उस पोर्ट पे वो डेटा एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा आफ्टर इंस्ट्रक्शन IN, जो भी IN हमारी इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद जो भी एड्रेस प्रोवाइडेड है उस एड्रेस से। तो जो सेकंड बाइट है, मतलब फर्स्ट बाइट तो हमारी हो गई इंस्ट्रक्शन ये IN, और जो सेकंड बाइट है तो सेकंड बाइट इज द एड्रेस ऑफ द पोर्ट। और एड्रेस ऑफ द पोर्ट जो होता है वो ऑलवेज 8-bit का एड्रेस होता है। हमने एक एग्जाम्पल इसका जो है 1-byte 2-byte एंड 3-byte इंस्ट्रक्शन स्टडी कर रहे थे तो हमने आपको इसका एग्जाम्पल एक शो किया था। जैसे ये लिखा हुआ है IN और उसके बाद में 0 है। तो IN मीन्स कि इनपुट हो रहा है डेटा, यानी कि जो भी पोर्ट पे अवेलेबल डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में मूव होगा। और 01 इज द पोर्ट एड्रेस की जो 01 पोर्ट एड्रेस है उस एड्रेस पे जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव कर देना है।
ऐसे ही जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है दैट इज आउट स्पेस पोर्ट एड्रेस। तो जब हम इस तरह से आउट और स्पेस करके एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं तो इट मींस कि हम जो भी डेटा माइक्रोप्रोसेसर के पास है मतलब कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा आया है उस डेटा को हम सेंड कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस पे। तो फॉर दैट पर्पज़ हम आउट स्पेस पोर्ट एड्रेस को यूज़ करते हैं, आउटपुट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू आईओ पोर्ट। और आईओ पोर्ट में आउटपुट पोर्ट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट को अलग अलग नहीं लिखा जाता, इसी तरह से आईओ पोर्ट की जो है जनरलाइज वे में लिखा जाता है। तो इन दिस केस क्या होगा कि जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट है ये कंटेंट मूव हो जाएंगे जो भी पोर्ट एड्रेस स्पेसिफाइड होगा उस पोर्ट एड्रेस में। तो आउट 00 का मतलब है कि इस 00 नंबर वाले आउटपुट पोर्ट में डेटा को सेंड कर देना है जो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। तो इस तरह से हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पस। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन है पुश RP। पुश RP का मतलब क्या है, पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर टू स्टैक। मतलब जो भी इस रजिस्टर पेयर में डेटा स्टोर्ड होगा उसको हम कहाँ सेंड कर देंगे, स्टैक पॉइंटर में। स्टैक पॉइंटर में हम इसको स्टोर कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पुश PSW, पुश प्रोग्राम स्टेटस वर्ड टू स्टैक। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है हमारे, जो हम स्टेटस फ्लैग्स की बात कर रहे हैं तो उनको जो है स्टैक में पुश कर देना, यानी स्टैक में मूव कर देना। और जैसे पुश इंस्ट्रक्शन है वैसे ही पीओपी इंस्ट्रक्शन है उसका जस्ट अपोजिट। कॉपी 2 bytes फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इनटू द स्पेसिफाइड रजिस्टर। तो पहले वाले हमने पुश में क्या किया था, आरपी के डेटा को हम किस में मूव कर रहे थे, स्टैक पॉइंटर यानी एसपी में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसपी के डेटा को हम आरपी में मूव कर रहे हैं। तो एसपी में भी क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था एसपी स्टैक पॉइंटर का काम कि इसमें स्टैक्स लगे हुए होते हैं, तो जब भी मूव हम करेंगे डेटा को तो स्टैक पॉइंटर के जो टॉप होगा, टॉप के डेटा को यानी टॉप 2 bytes को हम स्पेसिफाइड रजिस्टर में जो भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया उसमें कॉपी कर देंगे। ऐसे ही पीओपी पीएसडब्ल्यू है, जैसे हमने पुश पीएसडब्ल्यू यूज किया था वैसे ही पीओपी पीएसडब्ल्यू है, ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो पुश और पोप इंस्ट्रक्शन जो है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टोर और लोड वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी डेटा मूवमेंट वाले। नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज HLT, यूज्ड फॉर हॉल्ट। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एनी फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टॉप, द माइक्रोप्रोसेसर रिमेन्स इन हॉल्ट स्टेट। मतलब ये हॉल्ट स्टेट में चला जाता है, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एग्जिट हो जाता है। अब इसको जब तक रिसेट नहीं किया जाएगा तब तक ये दोबारा से परफॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए एट द एंड ऑफ प्रोग्राम हम HLT का यूज करते हैं जिससे कि माइक्रोप्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शन है XTHL। XTHL में क्या है, एक्सचेंज स्टैक टॉप विद HL। तो जैसे हम अभी तक कॉपी कर रहे थे डेटा को वैसे ही अब हम स्टैक के डेटा को कॉपी करेंगे किसमें, HL रजिस्टर पेयर में। तो अगेन क्या होगा कि टॉप 2 जो होंगे स्टैक के वो HL में मूव हो जाएंगे। अब मूवमेंट में क्या होगा कि जो रजिस्टर L की बात करेंगे वो एक्सचेंज हो जाएगा किससे, स्टैक के टॉप से, और उसके जस्ट बाद वाली जो वैल्यू होगी वो एच से एक्सचेंज होगी। तो ये चीज बस यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो टॉप वैल्यू है वो एल से एक्सचेंज होगी और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो एच से एक्सचेंज होगी। ऐसे ही एसपीएचएल इंस्ट्रक्शन है, मूव द कंटेंट्स ऑफ
HL pair to the stack pointer, मतलब इस जो previous instruction थी उसका just opposite. कहाँ पे लगवाएंगे सर?